बालोद जिले में 5 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी विकास यात्रा के दौरान डौंडी पहुंचेंगे, जिसको लेकर डौंडी क्षेत्र के करीब 10 गांवों के ग्रामीण इस विकास यात्रा को शहरी क्षेत्रों व मुख्य मार्गों से गुजारने के बजाय उनके गांवों से मुख्यमंत्री के रथ को गुजारने की मांग को लेकर नगर में रैली निकालकर तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल डोंडी ब्लॉक जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की माने तो मुख्यमंत्री अपने विकास यात्रा के दौरान सिर्फ मुख्य मार्गों से ही गुजरते हैं, लेकिन जिले के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी सड़क, पानी, बिजली जैसे कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनकी माने तो मुख्यमंत्री को एक बार इस क्षेत्र में आकर देखना चाहिए कि वास्तव में इन क्षेत्रों में विकास कितना हुआ है। ग्रामीण इस आंदोलन के माध्यम से लगातार मांग करते रहे कि अगर मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में नहीं आ सकते तो उन्हें सीधे मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, ताकि ग्रामीण अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के पास रख सके। ग्रामीणों के इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा भरपूर कोशिश की गई, इसके बावजूद भी किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में लगभग 500 महिला पुरुषों के साथ जनपद सदस्य पुनित सेन, विधायक प्रतिनिधि पीयूष सोनी, नगर पंचायत खिलेंद बुहार सहित क्षेत्र के अनेक गाँवों के सरपंच पंच शामिल हुए। क्लिपर 28 से जागेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। आज हम लोग 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास यात्रा है। अभी तक देखे हैं मुख्यमंत्री जी का विकास यात्रा हमेशा शहरों में और नगरी क्षेत्रों में ही गुजरा है, लेकिन हम लोगों का मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाए, वनांचल क्षेत्र में जाए, वो देखे कि हकीकत में सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य से लेकर जितनी समस्याएं हैं आज भी, उसको अपने नज़र से देखे और आम जनता से वाकिफ हो, ताकि उनको असलियत का पता चले। आज जिला प्रशासन के माध्यम से जो धूल झोंकने का काम ग्रामीणों के साथ कर रहा है, उसी के लिए हम लोग मांग करने आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी गुजरे और ग्रामीण क्षेत्रों का असलियत जाने। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य समस्या हमारा है कि भर्री टोला से ठेमा नदी के बीच में पुल निर्माण स्वीकृति हो। दूसरा ये है कि भर्री टोला में इनिकट का स्वीकृति होना चाहिए। तीसरा हमारा है कि डोंडी घोंटिया आदमाबाद रोड का डामरीकरण और चौड़ीकरण हो। पांचवा हमारा है कि ढोरी ठेमा से उर्जे पहुंच मार्ग और पुल पुलिया निर्माण की स्वीकृति होना चाहिए। बोरगांव जैसे असिंचित क्षेत्र में तांदोला नदी पर मोटर पंप लगाकर सिंचाई सुविधा मिलनी चाहिए। बोरगांव में 10-2 का उन्नयन होना चाहिए। सभी कृषकों का फसल बीमा का राशि और सूखा राहत का राशि आदि मांग को लेकर के यहाँ पर हम जो है आए हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.